done hair. What do you guys want? कि इस age group के लिए क्या topic होना चाहिए? Sir, I used to think what I have done and what I have to do, but I'm not doing anything. So I want to know the answer. मतलब सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है. Yes, sir. तो करें कैसे? Yes, sir. करना किसको है? Yes, sir. एक मिनट, करना किसको है? Yes. तो करते क्यों नहीं हो? आप क्या चाहते हो? मैं आकर के बोलूँ कि करो करो करो. अरे भाई, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? आप कह रहे हो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है. क्यों नहीं बन पाता है? Yes. हमारा फोकस एक काम पे क्यों नहीं रह पाता? Yes, हाँ, नहीं, क्यों नहीं रह पाता, मैं पूछ रहा हूँ. नॉट यस सर, क्यों नहीं रह पाता है? बताओ, आंसर दो. सर, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज है इसमें. लाइक जैसे मैं कभी पढ़ता हूँ तो बीच में मुझे आ जाता है कि भाई दोस्त का फोन आता है, चल भाई पबजी खेलते हैं. तो सर उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन यहाँ जाता है कि पबजी में आगे करना है. हाँ. तो सर माइंड अपना एक कांस्टेंट नहीं है. मैं वही चाह रहा हूँ कि आज होना चाहिए कंसिस्टेंसी के ऊपर कि हमारा माइंड कांस्टेंट कैसे रहे. हाँ, दैट इज अ चैलेंज. और ये सबका चैलेंज है. Yes. किसी एक का तो नहीं. Yes or no? Yes, हाँ. कितने चाहते यही हो आज के सेशन का टॉपिक. अरे वाह, लोगों ने खुल के हाथ ऊपर किया है. वहाँ जैसे एक लड़के ने हाथ ऊपर किया, वहाँ मैंने देखा एक साथ में लड़की फड़फड़ा रही थी. अरे भैया, लगा के आया करो फुसफुस, सस्ता सा आता है. हाँ. आप जो कह रहे हो वो ये है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. हाँ. एक बात बताओ, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ. कोई आपकी फैमिली में है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है, या पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, मान लो उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हुई और उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना है, उस वक्त अगर दोस्त का फोन आया पबजी खेलते हैं तो? उस टाइम गोल तो ऑब्वियसली अपना फैमिली होगा ना. हाँ, कोई किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी तरह का माइंड डाइवर्ट ये वो, या माइंड सिर्फ एक ही जगह पे फोकस्ड होगा? तो एक जगह पे डिस्ट्रैक्शन है, एक जगह पे नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है? प्रायोरिटी वर्ड भी उस टाइम माइंड में नहीं आ रहा होता है. हाँ. उस टाइम माइंड में क्या चल रहा होता है? बस ये ही करना है. और कहीं पे ट्रैफिक जैम है, हम लेकर के उनको जा रहे हैं हॉस्पिटल और रास्ते में ट्रैफिक जैम है, क्या करोगे? मतलब कोई और रास्ता पकड़ोगे. तो आंसर मिला आपको कि डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो वहां पर भी है. प्रायोरिटीज रखनी है अपनी. नहीं नहीं, नॉट जस्ट प्रायोरिटीज, ध्यान से समझो. वो जो गोल है, गोल आपका क्या है कि जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचना है. वो आपके लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है या नहीं है? एक है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होना, एक है ठीक है सुन लिया किसी की बात, मेरी बात ही सुन ली मेरे किसी सेशन में, हाँ कुछ बड़ा करना आया तेरे को. हाँ यार, बंदा बात तो सही कर रहा है, बड़ा तो करना चाहिए, सब करते हैं, मुझे भी करना है बड़ा. तो क्या वो आपका अपना डिजायर है, या किसी और को देख करके एक विश है जो अंदर पैदा हो रही है? क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए, सक्सेस किसको बुरी लगती है? तो डू यू रियली वॉन्ट सक्सेस एज बैड एज यू वॉन्ट एयर टू ब्रीद? अपने आप से सच बोलो, क्योंकि अगर इफ यू रियली वॉन्ट इट तो फिर डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है वहां पर. और आपको एक मजेदार बात बताता हूं आपके ही माइंड की, बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं. 90% केसेस में कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता नहीं है, आप खुद अपने आप को कर रहे होते हैं. Yes, ये पता है कल एग्जाम है और आप क्या कह रहे हो अपने आप को, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है. Yes. ऐसा आता है अंदर से? नहीं आता है. Yes. अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कर लूंगा ना अभी एक दो घंटे में टाइम पास करने में क्या. तो कौन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई और कर रहा है? No. या आप खुद ही अपने आप को कर रहे हो? Yes. तो डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं है, आपके खुद के अंदर है, क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का आपका अपना डिजायर नहीं है. तो डिजायर हमारे खुद के अंदर से होना चाहिए. अब ये कौन बता सकता है आपको कि वो आपका अपना डिजायर है या आप दुनिया को दिखा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं आपसे पूछता हूं आपका डिजायर क्या है. आप माइक लेकर के बड़ा स्टाइल मारोगे, जैसी माइक आपके हाथ में आएगा बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाएंगी, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, मैं तो वो करूंगा, और घर जाकर के विनर विनर चिकन डिनर. क्योंकि दुनिया को दिखाना एक अलग चीज है और अंदर से एक्चुअल में होना एक अलग चीज है. सो अगर आप एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तब ऐसा क्या है जो हमें याद रखना है मरते दम तक? ऐसी कौन सी क्वालिटी हमको चाहिए अपने अंदर जिसके बिना एक्चुअल में हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते? कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी कैसे आती है? एक होता है बंदा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है. वॉट इज कंसिस्टेंसी? डज कंसिस्टेंसी मीन कि जो भी आप कर रहे हो उसमें बिल्कुल ऐसे ही करते चले जाओगे? क्या ऐसा पॉसिबल है?
या कोई भी ऐसा बंदा होता है लाइफ में जो ऊपर ही ऊपर उठता रहता है। कंसिस्टेंसी मीन्स कि बीच बीच में आपको सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर भी मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिगर सक्सेस एंड बिगर फेलियर, बट इस बड़े को अचीव करने के लिए, जो भी आप बड़ा करना चाहते हो उसको करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी हजार, उसमें कभी एकदम से सक्सेस मिल जाएगी, छोटी सी सक्सेस, कभी छोटा सा फेलियर। उसके बावजूद भी अगर आप आगे बढ़ सकते हो उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। समझ गया ना, इस कंसिस्टेंसी की भी डेफिनेशन को हमने ठीक किया। थोड़ी सी सक्सेस मिले और हम हवा में आ जाए तो गया उसका फोकस। छोटा मोटा फेलियर आए लेकिन अब माइंड में उसने ऐसा बना लिया कि ये तो बहुत बड़ा फेलियर है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, गया। इनकंसिस्टेंट है वो बंदा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि वो कभी फेल ही ना हो, या कभी कुछ गलत ही ना करे, या कोई गलतियां ही ना करे। हम गलत समझते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब। जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छे दिन भी आएंगे बहुत, जब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा होगा, सब कुछ अच्छे से काम हो रहा होगा उस गोल को अचीव करने के लिए। कुछ खराब दिन भी आएंगे जब कुछ भी नहीं हो रहा होगा, सब कुछ ही गलत हो रहा होगा। मान लो उस गोल को अचीव करने के लिए 4 साल चाहिए, तो बीच में कुछ ऐसा टाइम आ सकता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, जब सब कुछ बहुत गलत हो रहा होगा, जब ऐसा लग रहा होगा अब तो वो इम्पॉसिबल है। बड़ा अचीव करना तो दूर की बात है, बड़ा सोचने तक से डर लग रहा होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? क्या आप टिके रहोगे अपने गोल पे या छोड़ दोगे? अगर टिके रहोगे तो वो कंसिस्टेंसी है, छोड़ दोगे तो इनकंसिस्टेंसी है। क्यों हम छोड़ देते हैं अपने गोल को? ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर जो आप कह सकते हो आज के टाइम में हमारी नस नस में दौड़ रही है? ये आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये आप लोगों की एज ग्रुप में। पेशेंस, पेशेंस है आप लोगों में? अपने आप से सच बोलो, या इम्पेशेंट हो? सब कुछ जल्दी चाहिए, ये है वो सबसे बड़ी क्वालिटी अगर लाइफ में एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। पेशेंस, थोड़ा सा भी कोई चीज लेट हो जाए इम्पेशेंट हो जाते हैं। अपने बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या हम बहुत ही इम्पेशेंट नहीं है? और अगर आपको कुछ भी बड़ा अचीव करना है, छोटा मोटा करना है, तो उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो वैसे भी हो ही जाएगा। कुछ नहीं भी करोगे तब भी कुछ ना कुछ तो सेटिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हो ही जाती है। बट आई एम सेइंग अपने बेस पे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए कितना पेशेंस चाहिए? अगर पेशेंस आपके अंदर है तो आप फोकस रह सकते हो। अपनी इल्यूजन मत बनाओ माइंड में। बहुत लोग क्या इल्यूजन बनाते हैं, अगर मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूंगा अपने गोल की तरफ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने पता नहीं कितने अलग अलग सेशंस में ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। हर सेशन में मेरे से कोई ना कोई आकर के जरूर पूछता है कि सर हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें? अरे भाई मैं ही नहीं रहता, मैं तेरे को क्या जवाब दूं? आप बीमार हो मान लो, मतलब यू आर इल, और कुछ हिलने का भी मन नहीं कर रहा है, बेड से पड़े हुए हो, अब वहां पे क्या मोटिवेटेड हो जाओगे? पड़े हो तो पड़े हो ना 2-3 दिन के लिए। वहां पर क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए? क्या चाहिए वहां? पेशेंस चाहिए। टेम्पररी है, कोई बात। मान लो आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में पड़े हो 1 महीने के लिए, तो वहां पे क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए? पेशेंस चाहिए। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोल तो दिया है पेशेंस, बट पेशेंस आएगा कैसे? हमारी हैबिट तो कुछ और ही है। क्या इतना पेशेंस है कि कई सालों तक और कई कई बार पूरी जिंदगी कुछ बड़ा करने के लिए आप उस गोल पे फोकस्ड रहो? कितना पेशेंस चाहिए इसके लिए? पेशेंस से क्या मिलता है? आपका माइंड बीच में आ जाता है। अब ना आप डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन का मतलब पेशेंस नहीं है, लेजीनेस का मतलब आप लेजी नहीं हो, यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो आपका माइंड इस जगह पर है, ना यहां है ना यहां है, यह बड़ी कमाल की स्टेट है। क्योंकि जब आप इस जगह पर होते हो, ये पेशेंस वाली स्टेट में होते हो, आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। विथ पेशेंस यू कैन फाइंड आंसर्स टू सच प्रॉब्लम्स जो देखने में लग रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल है यहां से बाहर निकलना। तो विथ पेशेंस यू कैन ओवरकम एंगर। कभी करके देखना, प्रैक्टिकली बताता हूं, मैं ये सब करता हूं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। कभी बहुत गुस्सा आ जाता है लाइफ में किसी बंदे के ऊपर, बंदी के ऊपर, आता है नहीं आता है? हद से ज्यादा गुस्सा, वो घर वालों पे भी आ सकता है, पड़ोसी पे भी आ सकता है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आ सकता है, कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा जब आ जाए तो क्या करें? अब जितना आप उसके पर्सन के बारे में सोचते रहोगे तो जो हुआ वो याद आता रहेगा, जितना उसको रिपीट करते रहोगे गुस्सा बढ़ता जाएगा।
हार्ट बीट तेज होती चली जाएगी, कुछ करने का मन करेगा, ऐसा होता है नहीं होता है? वो गुस्सा बाहर निकलने के लिए तड़पेगा, उस वक्त क्या करो? गुरु मंत्र देता हूं आप लोगों को, रात को सोने से पहले मन में सिर्फ ये बोलना शुरू कर दो, पेशेंस 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 पेशेंस, जब तक नींद ना आ जाए, सुबह उठोगे सब सही होगा। आंसर्स निकल करके आ जाएंगे। 90% सिचुएशंस में पता क्या होगा, कि मैं भी वेला गुस्सा कर रहा था, गुस्सा करने की वजह ही नहीं थी, एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं। 90% केसेस में प्रॉब्लम होती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, क्योंकि अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम होती तो आप और वो जो बंदा है वो अलग हो जाते, दो चार दिन बाद सब नॉर्मल कैसे हो जाता है? कभी सोचा है ये सब बातों के बारे में? फॉर एग्जाम्पल, आपकी और आपके माँ बाप की कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, दो तीन दिन तक तो ऐसा लग रहा है कि अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, उसके तीन दिन बाद क्या होता है? हैप्पी बर्थडे बेटा, ले केक खा ले, सब सही नहीं हो जाता एकदम से। इसका मतलब क्या था? एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, एक्चुअल में होती तो ठीक कैसे होती, समझे? छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपने कुछ समझा, उन्होंने कुछ समझा, थोड़ा समझने में कमी थी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो कुछ आपको बड़ा करना है ना लाइफ में, अब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से आपको छोटी मोटी लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, लेकिन ये लड़ाइयाँ आपका बहुत टाइम खा जाएगी और आपका बहुत माइंड खा जाएगी। तो आप कहते हो छोड़ यार, मेरे को इन छोटी मोटी लड़ाइयों में पढ़ना ही नहीं है। लड़ाई भी चूज करनी होती है जी, विथ पेशेंस, क्योंकि जिससे लड़ोगे उसी लेवल पे आप आ जाओगे। कहते हैं नेवर फाइट विद अ पिग, यू विल गेट डर्टी एंड द पिग विल लव इट। तो हर एक से नहीं लड़ना होता है, लड़ना ही है तो किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए लड़ो ना, लड़ना ही है तो अपने आप से लड़ो ना, दम है तो। जो घटिया लोग होते हैं वो अपने से कमजोरों से लड़ते हैं, और जो बेवकूफ लोग होते हैं वो अपने से ताकतवर लोगों से लड़ने लग जाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो किसी से नहीं लड़ते हैं। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, ये पेशेंस आता कहाँ से है? ये समझदारी से आता है। समझदारी मतलब क्या? रियलिटी को एज इट इज देख लेना। क्या इस दुनिया में सब कुछ टेम्प्रेरी है या नहीं है? Yes. ये कोई मेरा बिलीफ है या रियलिटी है? Yes. तो इस रियलिटी को देख लेना समझदारी है। इस समझदारी से पेशेंस आता है। मतलब क्या? बुरा फील हो रहा है, अब वहां पे अच्छा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑपोजिट क्रिएट हो जाएगा। बुरा फील हो रहा है, होने दो, टेम्प्रेरी है, देखता हूं मुझे कितना बुरा फील हो सकता है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि आज पूरे दिन रोता ही रहूं, मतलब आंसू रुकने नहीं चाहिए, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? आप कोशिश करोगे बुरा फील करने की, होना बंद हो जाएगा। समझो यहां पे आपने क्या किया, उससे लड़े नहीं, क्योंकि जिससे लड़ोगे वो पावरफुल हो जाएगा। उसको खत्म करने के बारे में नहीं सोचना है। ये जो बुरा लगेगा वो बुरा लगने वाली एक स्टेट है, उसको खत्म नहीं करना है, क्योंकि आप उसको खत्म कर नहीं सकते हो। जितना उसको खत्म करने की कोशिश करोगे और पावरफुल हो जाएगा। तो उसको रहने देना है, उसको ऐसे देखना है गेस्ट आ गया मेरे घर में, समझ गए ना? हाँ, जैसे डिजायर एक गेस्ट है, आया, आने दो, रहने दो, इट इज नेचुरल। सबके अंदर आते हैं सब तरह के डिजायर्स, सबके अंदर आते हैं सब तरह के थॉट्स, सबके अंदर आते हैं सब तरह की फीलिंग्स, सब तरह के इमोशंस, सब तरह के फियर्स। आने दो, रहने दो, लेट मी ऑब्जर्व इट, लेट मी सी कि ये कब तक रहता है। समझ गए अब आप क्या कर रहे हो? खुद को कॉन्कर कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ? वो आया, चला गया। ऐसे ही थोड़ी बहुत सक्सेस आई, चली गई, थोड़ा बहुत फेलियर आया, चला गया। बट नाउ यू आर कंसिस्टेंट, बिकॉज अब कुछ भी होता है जो दुनिया की नजर में बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत ही छोटा भी हो सकता है, अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है इन द शॉर्ट टर्म। बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर हाथ पे कुछ गर्म लगेगा तो हाथ जलेगा ना, बट अगर आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है जल गया, कितने दिन तक रहेगा? दो दिन, चार दिन, पांच, हफ्ता, ठीक है हफ्ता रहने दो। अब वहां पे अब रोने लग जाओ बैठ करके, तो गर्म तो लगा लेकिन जला क्यों? तो पागल हो, और अभी आप हंस रहे हो, यही पागलपंती करते हो आप सुबह से रात तक। अरे भाई ब्रेकअप होगा तो बुरा लगेगा ना, अब ये सवाल नहीं होना चाहिए वहां पे कि मुझे बुरा ना लगे, बुरा लगेगा। वंस यू आर अटैच्ड टू समबडी,
किसी के साथ में आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो, एकदम से अलग हो जाओ, अरे हवा टाइट, बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने आपकी बॉडी का कोई पार्ट काट दिया है, तो उस वक्त क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए. व्हाट यू कैन डू इज, रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए, जब तक नींद ना आ जाए, पेशेंस, 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 पेशेंस. अब आप आराम से आ गए. अब अगले दिन जो भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो अब आप उसके लिए तैयार हो. किसी एग्जामिनेशन के लिए जाना है, उसके लिए तैयार हो. कोई बहुत बड़ा दिन है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, कोई बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो. ठीक है, कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो. ठीक है जी, यू गॉट द आंसर. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी.